जिस उद्देश्य से पार्क बनते हैं, दो पल बैठना चाहें तो वो यहाँ बैठ सकते हैं। हमारा युवा जो है ये नशे की तरफ जो बढ़ चुका है, ये सिरिंज और ये जो बॉटल है, ये नशे वाले जितने भी ये बच्चे हैं, ये साथ ही साथ क्राइम की ओर भी जाते हैं। जो ये नशे के इंजेक्शंस बेच रहे हैं, वो शायद सृष्टि को भी जवाब ना दे पाए। पार्कों को भी कब्जे में ले लिया है, उनकी भी सजा नियत है जो सृष्टि रचेगी। नमस्कार, मैं दिलप्रीत सेठी, आप सभी का सुरागी लाल न्यूज चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि हम आ चुके हैं रामनगर रोड पर, और रामनगर रोड पे जो सरकारी अस्पताल है उसके ठीक आगे हाईवे पे ही ये एक पार्क का निर्माण हुआ था कई वर्ष पहले। रोटरी क्लब द्वारा इसको सुंदर बनाया गया था, इसमें रख रखाव इसका किया गया था, परंतु हम आपको जो दिखाए जा रहे हैं, जिस उद्देश्य से पार्क बनते हैं, पार्क का उद्देश्य यहां पे मेन हाईवे पे जो पार्क इतना बड़ा है, इसको बनाने के पीछे उद्देश्य ये था कि जो सरकारी अस्पताल में जो लोग आते हैं, जो लोग बीमार होते हैं, उनके परिजन अगर कहीं आराम करना चाहें या सुकून की दो पल बैठना चाहें तो वो यहाँ बैठ सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो राहगीर काशीपुर में इधर उधर आते हैं और उन्हें छाए में धूप में जाने के अगर बैठना पड़ता है तो वो उस स्थिति में इसका प्रयोग करते थे। परंतु खेत का विषय ये है जो हम आपको आज दिखाना चाह रहे हैं। ये पार्क जो है ये धीरे धीरे, जैसे हमारा युवा जो है ये नशे की तरफ जो बढ़ चुका है, और उनको ये भी समझ नहीं आ रहा है कि ये नशे से उनका जीवन और उनके परिवार का जीवन भी समाप्ति की ओर आ जा रहा है। इस तरफ एक तो शारीरिक नुकसान, दूसरा इसके साथ साथ आर्थिक नुकसान पूरे परिवार को झेलना पड़ता है ये। लेकिन हमारे युवा, मैं चाहूंगा अपने कैमरामैन से जरा ये सिरिंज और ये जो बोतल है वो दिखाएं। इसके बाद पूरी खेप है यहां पे, पूरी की पूरी खेप आप देखिए। मैं ये दिखाना चाह रहा हूं आपको, पूरी की पूरी खेप है यहां पे, और इससे हमारा युवा किस ओर जा रहा है ये देखिए। और ये सरकारी अस्पताल के ठीक पीछे का, मतलब ये फ्रंट है सरकारी अस्पताल का, ये फ्रंट है, और देखिए ये क्या दुर्दशा है। और इतने इंजेक्शंस, मतलब यहां पे कोई हमारी मां, कोई हमारी बहन अगर यहां आके बैठना चाहे तो वो कैसे बैठे इन नशेड़ियों के बीच में। ये कहा जाए कि इन नशेड़ियों ने इस पार्क पे कब्जा कर लिया है, तो इसको बात को कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। और ये हम दिखा रहे हैं आपको एक एक फुटेज, एक एक चीज की, पूरा पार्क इतना बड़ा पार्क है हाईवे पे रामनगर रोड के, और ये नशेड़ियों ने देखिए क्या हाल बना दिया है अपने जीवन के साथ। ये नशे वाले जितने भी ये बच्चे हैं, ये साथ ही साथ क्राइम की ओर भी जाते हैं। इनको चिन्हित करना चाहिए, और सबसे बड़ा जो ये नशे के इंजेक्शंस बेच रहे हैं, वो शायद सृष्टि को भी जवाब ना दे पाए। और जिस चीज से वो पैसा कमा रहे हैं, जिस इंजेक्शन को, जिस सिरिंज को वो बेच रहे हैं, और वो जो हमारा युवा जो आज उस नशे की नत में है, इसकी अगर कहीं ना कहीं भरपाई इन लोगों को भी करनी पड़ेगी। ये अगर उनको पुलिस पकड़ लेती है बात ठीक है, अगर जो नहीं पकड़े जा रहे हैं, जो इसके पीछे हैं, उनके लिए आप बिल्कुल स्पष्ट है, हमारी सृष्टि ने सब काम रखे हुए अपने हाथ में, उनकी भी सजा नियत है जो सृष्टि रचेगी। परंतु उनको इतना भी शर्म नहीं आ रही बेचने वालों को, और ये लगाने वाले जो इंजेक्शन है, इन नशेड़ियों को चिन्हित करना चाहिए कि उन्होंने शहर के मुख्य पार्कों को भी कब्जे में ले लिया है। पहले वो जो हमारे स्टेशन के साथ में रोडे होती थी, खाली रोडे होती थी, वहां पे हम अक्सर कहते थे कि महिलाओं के साथ बदतमीजी होती है, क्योंकि ये नशे के इंजेक्शन लगाते थे, उनको समझ नहीं आती वो क्या करते क्या नहीं करते। उसके बाद रेलवे पटरियों के आसपास के जो क्षेत्र थे वो इनके कब्जे में थे। इनकी हिम्मत इस तरह से बढ़ गई है कि आप देखिए, ये मुख्य पार्कों पे, जो हाईवे पे पार्क्स है,
अंदर के पार्क्स का क्या हाल होगा, हमने अपनी सुरागी लाल ने ये जिम्मेदारी समझी कि हम आपके समक्ष ये सारी रिपोर्ट रखें और हम एक 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 करके काशीपुर के समस्त पार्कों को भी दिखाएंगे कि जहां ये नशेड़े नशेड़ी जो भी ये इंजेक्शंस लगाते हैं उनको उनके अंजाम तक और उनको कोतवाली में या उनको जो भी सजा इनको आवश्यक कार्रवाई इनके ऊपर होनी चाहिए। ये सुरागी लाल अपनी तरफ से एक मुहिम और एक अपनी मांग उठाता है। धन्यवाद। मैं दूसरे दिन तो हर दूसरे दिन आवाज़ सीरीज वगैरह सब उठाते हैं, रोज जाते हैं। आपने कभी उनसे मना करा इस चीज के लिए? करा तो झगड़ा करते हैं, मारपीट पर आती है आकर। मैं कहता हूँ नशेड़ियों से, और रोज कम से कम 10-15 जने आते हैं यहाँ। जैसे कि अभी आपको हमारे चैनल के प्रधान संपादक दिलप्रीत सिंह सेठी जी द्वारा बताया गया कि किस तरीके से जो रामनगर रोड पे ये पार्क है इसके अंदर जो अव्यवस्था जो फैली हुई है, जो यहाँ पे पूरी तरीके से नशेड़ियों ने कब्जा कर रखा है। लेकिन अब बात आती है यहाँ पे इस्तेमाल किए जाने वाले इंजेक्शन की। जी हाँ, सही सुना आपने। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे किस तरीके से जो इंजेक्शन हैं, जो सीरिंज है, वो यहाँ पड़ी हैं। यहाँ तक कि लोगों की जो क्लॉटिंग इंजेक्शन लगाने के दौरान हुई है वो भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। और अब बात ये आती है इंजेक्शन होते नशे में किस तरीके से प्रयोग हैं, तो इस विषय में जानकारी लेने के लिए हम काशीपुर के जाने माने जो डॉक्टर्स हैं उनके पास जाएंगे और इसकी पूरी अपडेट लेंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो सिरिंजेस हैं, जो बॉटल्स हैं यहाँ पे नशे की, वो यहाँ रखे हुए हैं। जैसे कि हमने आपको रामनगर रोड की स्थिति से अवगत कराया और साथ ही में आपको दिखाया कि किस तरीके से हमारे जो नशीले पदार्थ हैं, जो इंजेक्शन हैं, वहाँ मौजूद थे। उस इंजेक्शन उस सिरिंज को लेकर जब हम एक सैंपल के तौर पर डॉक्टर रवि सहोता के पास पहुंचे तो इन्होंने हमें बताया कि उस इंजेक्शन का नाम फिनरामीन मैलिएट है। तो उसकी पूरी जानकारी के लिए हमारे बीच में रवि सहोता जी जुड़ चुके हैं। सर, क्या बताना चाहेंगे? देखिए, फिनरामीन मैलिएट एक H1 ब्लॉकर है और ये दवाई प्रूराइटस, अर्टिकेरिया और एलर्जीज में यूज होती है। ये आँखों में भी डालने में इस्तेमाल किया जाता है और क्योंकि ये सस्ती दवाई है, ओवर द काउंटर पहले अवेलेबल हो जाती थी, तो इस वजह से ये सस्ता नशे का एक जरिया बन गया हुआ है। और फिनरामीन एक डेंजरस दवाई है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स में ड्राउजीनेस आता है, सेडेशन होती है, तो उसी का ही इस्तेमाल जो ड्रग अब्यूज़र्स हैं वो कर लेते हैं और उसका साइड इफ़ेक्ट का फ़ायदा उठाकर वो नशे के तरीके से यूज़ हो जाता है। जैसे कि आपने बताया कि एक नशे की दवाई है, तो अब मेरा सवाल यह है सर, और कौन कौन से ऐसी दवाई हैं जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है, क्लिनिक्स पर अवेलेबल है, जो बंद होनी चाहिए, मतलब जिस पर बिना प्रिकॉशन के ना दी जाए? देखिए, इसीलिए अब आजकल जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है और ड्रग काउंसिल ऑफ इंडिया है, उन्होंने ओवर द काउंटर ड्रग्स, काफ़ी ड्रग्स को उनका वितरण को कंट्रोल किया है और ड्रग कंट्रोलर इंडिया ने इनको OTC से हटाकर इनको प्रिस्क्राइब्ड, यानी कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर ये दवाइयाँ नहीं मिलती हैं। ये इतनी ख़तरनाक दवाइयाँ होती हैं कि इससे लिवर फेलियर, देखिए अगर एक बार लिवर फेल हो जाता है आपका तो ट्रांसप्लांट तक की नौबत आ जाती है, तो 25-30 लाख-40 लाख रुपए का खर्चा आप समझ लीजिए अगर लिवर ट्रांसप्लांट हो जाता है तो ये बहुत ख़तरनाक दवाइयाँ हो जाती हैं। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन, यानी कि आंतों की रुकावट, कुछ लोगों को हमने ड्रग अब्यूज़र्स को देखा है जिनकी आंतों में सुराख हो जाते हैं, जिसको परफोरेशन बोलते हैं, फिर उनका ऑपरेशन करना पड़ता है, लेप्रोटमी से बड़ी मुश्किल से उनकी जान बचानी पड़ जाती है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपने मेरे से सवाल पूछा था कि इसके अलावा और कौन सी दवाइयाँ हैं। डेक्स्ट्रोमिथारफन जो कि एक कॉफ सिरप है, इसका भी कुछ लोग सेवन करते हैं। क्लोरफिनिरामिन CPM जिसको बोलते हैं, वो भी H1 ब्लॉकर है, एंटी हिस्टामिनिक ग्रुप में आता है और उसका भी लोग सेवन करते हैं। इसके अलावा कोरेक्स पहले बहुत सारा यूज़ होता रहा है। ये जितने भी ओवर द काउंटर ड्रग्स अवेलेबल थी जो कफ सिरप के रूप में, ये आपके लिवर पे और किडनी पे बहुत असर करते हैं। और हमने काफ़ी पेशेंट्स, जब आप एक लिमिटेड अमाउंट से ज़्यादा दवाई लेते हैं, आपको लेना पड़ता है तभी आपको वो नशा आता है, तो उस लेवल पे जब उनका जो दवाई का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है तो उस लेवल पे ये किडनी और लिवर को ऊपर बहुत बुरा असर करते हैं। पुलिस के द्वारा इस संबंध में नशे की रोकथाम के लगातार अभियान चलाया जा रहा है और जो सार्वजनिक स्थान है, पार्क वगैरह है या ये बाग वगैरह है, या पुलिस बाकायदा प्रॉपर मोबाइल से या गश्त पर रहती है, और इस संबंध में पुलिस के द्वारा आए दिन स्कूल में जाकर गोष्ठी भी आयोजित की जा रही है जिन्हें उन्हें नशे के संबंध में समझाया जा रहा है और नशे के दुष्प्रभाव के बारे में बताया जा रहा है। ये संज्ञान में है कि जो हमारे कॉमन प्लेसेस हैं, पब्लिक प्लेसेस इन्हें कह सकते हैं हम, जो पार्क हैं और ऐसे जो जगह है जो आम लोगों के लिए खुली रहती है, वहाँ पर नशे का सेवन बढ़ रहा है। तो इसमें वीडियो में दिख रहा है कि वहाँ कुछ नशे की जो इंजेक्शंस हैं वो पड़ी हुई हैं, तो इसमें हम टीम बना के
इसकी जांच कराई जाएगी और औचक निरीक्षण भी किया जाएगा और जो लोग इसमें संलिप्त हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि आपने सुना कि अब नशे में रोकथाम के लिए खुद उपजिलाधिकारी काशीपुर उतर चुके हैं और यदि इस तरीके का कोई भी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। इसी के साथ मैं मानिक गुप्ता सुरागिला न्यूज चैनल से विश्व महत्व उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।